YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a simple and short approach to solve mains level puzzle. So stay tuned till the end of this video. Let's get started. ठीक है, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं हम लोग. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इन एन ऑफिस कैफेटेरिया 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन टू रॉज कंटेनिंग 5 पर्सन इन ईच रॉ. ठीक है, एक ऑफिस कैफेटेरिया में 10 लोग बैठे हैं. ठीक है, दो रॉ में बैठे हैं, एक रॉ में 5 पर्सन है. ठीक है, पर्सन ऑफ द फर्स्ट रॉ आर फेसिंग साउथ वेयर एज द पर्सन ऑफ द सेकेंड रॉ आर फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, फर्स्ट रॉ में जो जितने भी लोग बैठे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं, ऐसे फर्स्ट रॉ में जितने भी लोग बैठे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं और सेकेंड में जितने भी बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं. ठीक है, वो नॉर्थ कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, और ये साउथ कर रहे हैं. ओके, therefore in the given sitting arrangement each person sitting in a row facing another person in the other row. ठीक है, only 2 person are sitting between n and q के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं. तो वेट, कैसे इसमें 2 possibilities बन जाएंगे, 1 2 3 4 5. ऐसा करते हैं ना, इसमें यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी पजल सॉल्व करेंगे. ठीक है, 2 पर्सन है किसके बीच में, और n और q के बीच में. ठीक है, n और q के बीच में 2 पर्सन है, और q जो है कॉर्नर, q हु इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, q जो कि कॉर्नर में नहीं बैठे. ठीक है, पहले पूरी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं. ऐसा करते हैं, r इज नॉट एन नॉट अ नेबर ऑफ एल एंड पी, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज फेसिंग पी, द पर्सन हु ऑर्डर पिज्जा इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर पॉपकॉर्न, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, एम इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु ऑर्डर फ्रेंकी, ओ हु इज फेसिंग साउथ इज सिटिंग जस्ट अपोजिट पी एंड ईदर ऑफ देम ऑर्डर पॉपकॉर्न. ओके, P is not a neighbor of M and ordered either popcorn or cake. Neither of the person who ordered tea nor the person who ordered popcorn faces north. The person who ordered ice cream is sitting exactly between the person who ordered pasta and brownie. L ordered Frankie and U ordered Maggie and facing the person who ordered coffee. अच्छा, शायद ना इसमें पजल पूरी नहीं आ पाएगी क्योंकि conditions हमारे पास ज़्यादा और इसमें स्पेस कम है. तो वेट, इसमें करते हैं, इसमें बता देते हैं. ठीक है, इसमें समझा देती हूँ. ठीक है, इसमें करते हैं. ठीक है, क्योंकि एक एक कंडीशंस लिखनी है और अच्छे से लिखनी है तो क्या फायदा, उसमें बहुत खिचड़ी पक जाती ना. ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं या फिर यहाँ से ही कंडीशन नोट करते हैं और यहाँ पे पजल सॉल्व करते हैं. ठीक है, ठीक, यहाँ तक हमारी कंडीशंस आ जाएंगी. तो कंडीशंस जब भी नोट करनी है ना मेंस लेवल में, वो बहुत अच्छे साफ सुथरे से करनी है, तभी आपको जो है समझ आएगी कि आपने लिखा क्या है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. फर्स्ट में बोल रहा है ओनली 2 पर्सन है एन और क्यू के बीच में, एन और क्यू के बीच में 2 पर्सन का गैप है, क्यू कॉर्नर में नहीं है. ठीक है, क्यू जो है कॉर्नर में नहीं है. ठीक है, एक ये हो गया. अब क्या आर इज नॉट नेबर ऑफ एल एंड पी, आर जो है नेबर नहीं है किसका, एल और पी का. ठीक है, ये दिख तो रहा है यहाँ पे, हाँ आर जो है नेबर नहीं है एल और पी का. ओके, अब वन ऑफ
इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज फेसिंग पी, ठीक है, एल का जो एक कोई भी इमीडिएट नेबर है, एल का इमीडिएट नेबर है वो पी को फेस कर रहा है, ठीक है, और ये नहीं पता हमें ऐसा है कि ऐसा है, मतलब एल ऊपर भी हो सकता है, एल नीचे भी हो सकता है, किसी भी रॉ में हो सकता है, इसीलिए ये वाला एरो का निशान हमने लगा दिया, ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन हमारी, ये ओके। द पर्सन हु ऑर्डर्ड पिज्जा इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न, ठीक है, जिसने भी पिज्जा ऑर्डर किया है वो सेकंड टू लेफ्ट है पॉपकॉर्न के। ये ना मैं नॉर्थ साइड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें ना ज्यादा समझ जाता है कि ये सेकंड टू लेफ्ट है, ठीक है, सेकंड टू लेफ्ट है, तो ये भी हो सकता है कि पॉपकॉर्न यहाँ हो, ये भी हो सकता है पॉपकॉर्न हमारा यहाँ हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस हु इज सिटिंग एट अ कॉर्नर, पी और एस के बीच में एक पर्सन है एस जो कि कॉर्नर में बैठा है, यहाँ इज नॉट इक्वल टू एन, ठीक है, एस जो कि कॉर्नर में बैठा है, ठीक है, एक ये हो गई हमारी। एम इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु ऑर्डर्ड फ्रेंकी, जिसने भी फ्रेंकी ऑर्डर की है उसके अपोजिट में जो भी बंदा बैठा है उसके थर्ड राइट में कौन है, एम है, ठीक है, अभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बात है, ओके। अब क्या हो रहा है, ओ हु इज फेसिंग साउथ, ओ जिसने कि साउथ फेस कर रखा है, साउथ फेस कर रखा है, इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू पी, वो अपोजिट टू किसके है, पी के, इसका मतलब ओ यहाँ आएगा, ओ हमारा यहाँ आएगा तो ओ हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, ओ जिसने साउथ फेस कर रखा है, ठीक है, ये वाला बैरो का निशान भी हट गया क्योंकि अब इसे हमें डेफिनेट में पता लग गया कि ये साउथ की ही तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बना, ओ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, एंड ईदर ऑफ देम ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न, अच्छा ओ या तो पी, रुको वेट यहाँ बना देते हैं, ओ या तो पी इन दोनों में से कोई पॉपकॉर्न खा रहा है भाई, ठीक है, ऑर्डर कर रहा है मतलब। अब क्या हो रहा है, टी इज नॉट नेबर ऑफ एम, टी जो है नेबर नहीं है एम का, ठीक है, टी नेबर नहीं है एम का, ओ या पी इनमें से एक ही कोई खा रहा है पॉपकॉर्न, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि नीदर ऑफ देम, क्या टी इज नॉट एन नेबर ऑफ एम एंड ऑर्डर्ड ईदर पॉपकॉर्न या केक, कहाँ गया, टी इज नॉट, अच्छा टी जो है नेबर नहीं है एम का एंड ऑर्डर्ड ईदर पॉपकॉर्न या केक, तो टी क्या ऑर्डर कर रहा है, या तो फिर पॉपकॉर्न या तो फिर केक, पर ये तो कॉमन सेंस की बात हुई कि जब ओ और पी में से एक जना कोई पॉपकॉर्न खा रहा है ये हमें पता है, तो टी पॉपकॉर्न कैसे खा सकता है, टी तो केक ही मतलब ऑर्डर करवाएगा ना, टी कैसे पॉपकॉर्न ऑर्डर करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ओ और पी ये तो उन्होंने बता दिया, या तो फिर ओ या तो फिर पी इनमें से एक ही कोई पॉपकॉर्न ऑर्डर करवा रहा है, तो टी पॉपकॉर्न और केक में से क्या करवाएगा, केक करवाएगा, ठीक है, ये समझ आया ना, टी केक क्यों करवाएगा, क्योंकि ओ और पी में से ही है कोई जो पॉपकॉर्न ऑर्डर करवा रहा है, तो टी पॉपकॉर्न तो नहीं करवा सकता ना फिर ऑर्डर, तो टी केक करवा रहा है, ठीक है, ये हमें डेफिनेट में पता चल गया। नीदर ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर्ड टी नॉर द पर्सन हु ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न, अच्छा टी और पॉपकॉर्न वाले जो पर्सन है, टी इज इक्वल टू पॉपकॉर्न फेसेस नॉर्थ, अच्छा मतलब ये नॉर्थ नहीं फेस कर रहे, साउथ फेस कर रहे, ओके, तो देखो ओ ने साउथ फेस कर रखा था और पी नॉर्थ फेस करेगा तभी तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, तो ये भी हमें पता लग गया कि पॉपकॉर्न कौन खा रहा है, ओ खा रहा है, ओ कैसे मतलब ओ कैसे ऑर्डर करा रहा है पॉपकॉर्न, क्योंकि वो साउथ फेस कर रहा है, इसलिए ओ और पी में से एक ऑर्डर करवा रहा था ना, और ओ ने फेस साउथ डायरेक्शन कर रखे और ओ ऑपोजिट किसकी है, पी के ऑपोजिट है, तो ओ जब पी के ऑपोजिट है तो पी नॉर्थ ही तो फेस करेगा ना, क्योंकि ओ साउथ कोई किसी के ऑपोजिट होता है तो एक दूसरे के ही तरफ तो फेस करते हैं ना, ठीक है, तो मतलब इन्होंने बोला था ओ यस, तो पी में से एक कोई पॉपकॉर्न ऑर्डर करवा रहा है, अब हमें ये डेफिनेट में पता चल गया कि ओ ही करवा रहा है पॉपकॉर्न, तो ये ऐसे लिख सकते हम कि ओ यहाँ पर लिख देते हैं फिर ओ इज इक्वल टू पॉपकॉर्न, ठीक है, चलो समझ रहे हो कैसे कर रही हूँ मैं,
दिख तो रहा है ना ये। ठीक है देखो, नेक्स्ट वाली कंडीशन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। ये ओ और पॉपकॉर्न वाली तो समझ आ गई ना। आगे क्या बोल रहा है वो कि द पर्सन हु ऑर्डर्स आइसक्रीम इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु ऑर्डर पास्ता एंड ब्राउनी। जो भी आइसक्रीम ऑर्डर करा रहा है वो पास्ता और ब्राउनी, या फिर ब्राउनी ब्राउनी और पास्ता के इमिजिएटली जो है बिटवीन में है। ठीक है, या तो फिर एक एक पर्सन का गैप होगा और या तो फिर इमिजिएटली उसमें है, मतलब कि मिडल में है ये। ठीक है, जितने गैप जो होगा ब्राउनी के बीच में होगा उतने ही पास्ता के बीच में होगा। मिडल का तो मतलब समझते हो ना, ये मिडल में है आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम जो भी ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, एल ऑर्डर्ड फ्रेंकी। एल ने क्या ऑर्डर किया है, फ्रेंकी। ये देखो इसका मतलब एल यहाँ पे आएगा, एल ऑर्डर्ड फ्रेंकी, एल यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, एल क्योंकि ऑर्डर क्या कर रहा है, वो फ्रेंकी ऑर्डर कर रहा है। यू ऑर्डर्ड मैगी एंड फेसिंग द पर्सन हु ऑर्डर्ड कॉफी। यू एक ये वाली कंडीशन थी, मतलब यू जो कि मैगी ऑर्डर कर रहा है किसको की तरफ फेस कर रहा है, हु ऑर्डर कॉफी, कॉफी वाले की फेस तरफ वो फेस कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास हैं। अब हम जो है बनाते हैं, कैसे क्या बनाएंगे। ठीक है चलो, ठीक है, वन टू, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। दो पॉसिबिलिटीज तो हमेशा बनानी है, पर मेंस में जितनी पॉसिबिलिटीज बने ना उतनी बनाते रहो, क्योंकि वहां पर टाइम है और टाइम वेस्ट नहीं करना सोचने में, कि इतना नहीं सोचना, पॉसिबिलिटीज बनाते रहो जितनी पॉसिबिलिटीज बने। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो साउथ फेस कर रहा है और सेकंड वाले जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब देखो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशंस हमारे पास ये लिखी हैं। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास, किस चीज के, मतलब कौन सी है हमारे पास। ये जो एल वाली इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा दिख रही है, कि एल ओ पी, एल एक दो छोड़कर एम। ठीक है, और ये भी डेफिनेट में पता है कि जब ओ साउथ देख रहा है तो एल तो इमीडिएट नेबर ही है। देखो वेट, ओ जब देखो एल जो है इमीडिएट नेबर है ओ का, और जब ओ साउथ फेसिंग कर रहा है इसका मतलब ये भी साउथ फेसिंग ही कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें डेफिनेट में पता लग गया कि ये फर्स्ट रॉ में ही आएंगे। जब फर्स्ट रॉ में, और ओ जो है किसे कर रहा है फेस, पी को कर रहा है, और एल ने क्या फ्रेंकी ऑर्डर की है। ठीक है, एल ने जब फ्रेंकी ऑर्डर की है तो एक यहाँ का ये जो जो भी से इसके ऑपोजिट साइड बैठा है उसके थर्ड राइट में है कौन है, एम है, ये मैंने लिखा था। तो वन तो ये है, तो वन टू थ्री यहाँ पे M आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कंडीशन जो है L से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। L और O साउथ फेस कर रहे हैं ना, तो ये रॉ वन है, सॉरी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो L जो कि फ्रेंकी ऑर्डर कर रहा है, ठीक है ऑर्डर कर रहा है, तो इसके जो ऑपोजिट बंदा बैठा है, यही बोला था, ये देखो कहाँ थी वो लाइन, L और फ्रेंकी वाली, नहीं वो M is sitting third to right of person who is sitting opposite to the person who ordered फ्रेंकी। ठीक है, जो भी ऑपोजिट बैठा है, जो फ्रेंकी ऑर्डर कर रहा है उसके थर्ड राइट में M है, तो वन टू थर्ड राइट ये हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि एल अगर यहाँ है, फ्रेंकी यहाँ पे लिख दिया, इसके अपोजिट में ये है, तो थर्ड टू राइट एम यहाँ हो गया। ठीक है, ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, ओ इमीडिएट नेबर है साउथ का, सॉरी एल का, ठीक है। और ओ किसे फेस कर रहा है, पी को, ठीक है। और ये भी ओ पी को फेस कर रहा है, ओके। अब इसमें ओ यहाँ पे भी आ सकता है और ओ यहाँ पे भी आ सकता है ना, ओ यहाँ पे भी आ सकता है और ओ यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे और बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2। वैसे समझाने का इसमें भी समझा सकते थे, देखो अगर ओ यहाँ आता तो ओ का नेबर कौन है, पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन थी, ये देखो पी एक छोड़ के एस रखना है, पी एक छोड़ के एस रखना है, और एस कहाँ पे है, कॉर्नर में है, इसका मतलब ओ यहाँ नहीं आ सकता। पर इसलिए ये वाली कंडीशन बनाई कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एक जगह ओ यहाँ रख दिया, पी यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एल यहाँ, फ्रेंकी यहाँ, ठीक है। और ओ यहाँ पे रख दिया, पी यहाँ पे रख दिया, एम देखो, हाँ ये भी है कि ओ यहाँ रख दिया, ये फ्रेंकी, 1 2 3 M, ठीक है। ओ यहाँ दोनों जगह रख सकते थे ना। अब ये वाली कंडीशन देखो, इसमें पी एक छोड़ के एस आना था, यहाँ पे कहीं एक लाइन थी ना, ये हमने कंडीशन में, वेट में दिखाती हूँ। हाँ, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, हु इज सिटिंग एट कॉर्नर। तो एक पर्सन है पी और एस के बीच में, तो क्या यहाँ पे सेट हो पाएगा पी और एस, और एस तो कॉर्नर में, मतलब ये गलत होगी। यहाँ पे एस यहाँ आ जाएगा, पर ये क्या कॉर्नर में है, ये कॉर्नर में नहीं है, ये भी गलत होगी हमारी। अब इस वाली कंडीशन में पी और एस के बीच में एक आ सकता है, और एस यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, दिख रहा है ना ये, हाँ एस यहाँ पर आ गया हमारा। तो 2 मिनट में, एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या था, पी और एस की कंडीशन तो सेट होगी ना हमारी, पी और एस कॉर्नर, तो ये वाली ऐसे होगी हमारी। और ये था ओ पॉपकॉर्न, ओ पॉपकॉर्न खा रहा था, तो पॉपकॉर्न ऑर्डर करवा रहा था, ये खा रहा था, जो भी है, ठीक है। तो ये भी सही होगी हमारी, ये भी फिट होगी, यहाँ पे ये वाली भी फिट होगी और ये वाली भी फिट होगी, ठीक है। अब ये वाली है कि आर जो है इमीडिएट नेबर नहीं है एल और पी का, ठीक है। आर यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब ना ही आर यहाँ पे नहीं आ सकता, आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। तो आर के लिए या तो फिर ये जगह बच रही है, या तो फिर ये जगह बच रही है। देखो आर के लिए जो जगह बच रही है हमारे पास, वो दो जगह बच रही है, या तो फिर ये, या तो फिर ये, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक कंडीशन ये है हमारे पास, एन और क्यू वाली, एन दो छोड़ के क्यू, और क्यू जो है कॉर्नर में नहीं आएगा। तो देखो एन और क्यू क्या हम ये सेकंड रो में फिट कर सकते हैं, क्योंकि एन ये बोल रहा है कि ऐसे आना चाहिए कि एन जो है दो छोड़ के क्यू है, और क्यू जो है वो कॉर्नर में नहीं है, ठीक है, यही लिखा है ना इस कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे क्या एन और क्यू की कंडीशन सेट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही का गैप है, तो मतलब एन और क्यू यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। एन को यहाँ रखते हैं तो 1 2 क्यू यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं सेट हो रही है, तो एल ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब एन और क्यू के लिए सिर्फ ऐसी एक दो ही जगह दिख रही है, वेट, हाँ जी, तो क्या है, एन और क्यू के लिए सिर्फ दो जगह ही दिख रही है, या तो फिर एन यहाँ क्यू यहाँ, या तो फिर एन यहाँ क्यू यहाँ। एन और क्यू को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और क्यू कॉर्नर में नहीं है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा और एन हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आर के लिए एक यही जगह बच रही है सिर्फ, ये भी सेट होगी हमारी, ठीक है, ओके। अब कौन सी कंडीशन बच रही है, एक पिज्जा पॉपकॉर्न वाली बच रही है, ये देखो ये एक ये और टी और पॉपकॉर्न जो है, मतलब टी जो है वो रॉ वन में ही आएगा, इसे हम काट देते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने। और ये वाली कंडीशन को सेट करते हैं, पहले यू मैगी ऑर्डर कर रहा है और फेस कर रहा है क्यू कॉफी की तरफ, ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ पे यू लास्ट वाली लाइन में, यू ऑर्डर्ड मैगी एंड फेसिंग द पर्सन हु ऑर्डर्ड कॉफी। तो यू के लिए दो जगह बच रही है, देखो यू को अगर यहाँ रखते हैं तो कॉफी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो फ्रेंकी ऑर्डर कर रहा है, इसका मतलब यू यहाँ आएगा हमारा, और मैगी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और कॉफी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बच गया, पहले तो उसे हम रख देते हैं, कौन बचा है अभी, कौन बच गया,
आर एल पी, यहाँ पे कौन रह गया यहाँ पे अभी। चलो ठीक है, यू और मैगी वाला ये वाला झंझट खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं, और ये वाला हो गया। हाँ ये था ना एक, ये भी एक बीच में इन्फॉर्मेशन, देखो टी एम के साथ नहीं बैठा और टी क्या ऑर्डर कर रहा है, केक, ठीक है ये पढ़ा था ना हमने, तो टी केक ऑर्डर कर रहा है और ना ही एम के इमीडिएट नेबर है, तो ठीक है नहीं है, केक आ गया यहाँ पे, ठीक है ये भी खत्म हो गई है वाली कंडीशन। अब ये एक कंडीशन बची है पिज्जा और पॉपकॉर्न वाली, तो ठीक है इसे रखते हैं हम। पॉपकॉर्न यहाँ है, ये सेकंड टू लेफ्ट है, तो साउथ है, तो ये साउथ का लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है, ये तो पता है आपको। तो पिज्जा कहाँ पे आ जाएगा ये पता है ना आपको, कि ये देखो जो नॉर्थ होता है उसका राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है, और जो साउथ होता है उसका लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है, नॉर्थ के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ठीक है तो पिज्जा आ गया, ये भी हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आ गया पिज्जा। अब टी वाला साउथ फेस कर रहा है, रॉ वन में बैठा है, तो टी भी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये तो हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब कौन सी कंडीशन हमारी बच रही है, देखो आइसक्रीम और ये ब्राउनी और पास्ता वाली, आइसक्रीम मिडल में है, तो यहाँ पे कहाँ पे आइसक्रीम को रख सकते हैं, सिर्फ एक यही जगह दिख रही है आइसक्रीम के लिए, तो आइसक्रीम यहाँ रख दी, और यहाँ ब्राउनी या तो फिर पास्ता। देखो ब्राउनी और पास्ता के लिए कुछ और तो नहीं लिखा, जो हम लाइन तो नहीं मिस होगी ना कोई, देखते हैं एक बार, मैं दोबारा रीड करती हूँ ब्राउनी और पास्ता के लिए। ओनली 2% आई थिंक, वैसे लिखा तो कुछ भी नहीं है तो देखते हैं पर। ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन एन एंड क्यू, हु इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, आर इज नॉट अ नेबर ऑफ एल एंड पी, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज फेसिंग पी, द पर्सन हु ऑर्डर्ड पिज्जा इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, हु इज सिटिंग एट अ कॉर्नर, एम इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु ऑर्डर्ड फ्रेंकी, ओ हु इज फेसिंग साउथ इज सिटिंग जस्ट अपोजिट पी एंड ईदर ऑफ देम ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न, टी इज नॉट अ नेबर ऑफ एम एंड ऑर्डर्ड ईदर पॉपकॉर्न और केक, नीदर द पर्सन हु ऑर्डर्ड टी नॉर द पर्सन हु ऑर्डर्ड पॉपकॉर्न फेसेस नॉर्थ, द पर्सन हु ऑर्डर्ड आइसक्रीम इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन द पर्सन हु ऑर्डर्ड पास्ता एंड ब्राउनी, एल ऑर्डर फ्रेंकी ऑर्डर मैगी एंड फेसिंग द पर्सन ऑर्डर कॉफी, ठीक है। ब्राउनी और पास्ता के लिए हमारे पास कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ये बोला था कि आइसक्रीम, जो भी आइसक्रीम खा रहा है ऑर्डर करा रहा है सॉरी, तो वो मिडल में है ब्राउनी और पास्ता के, तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ब्राउनी पास्ता, या तो फिर यहाँ पे ब्राउनी और पास्ता, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, हम उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल्टर कर लेंगे। अगर वो बोलेगा एस ब्राउनी तो एम पास्ता हो जाएगा, अगर बोलेगा नॉर्थ के राइट एंड में, अगर ये राइट एंड होता है ये लेफ्ट एंड होता है, राइट एंड में अगर पास्ता बैठा है तो ये ब्राउनी, ठीक है ये हमारी पजल सेट होगी पूरी। ये दिख रहा है ना एन एल ओ क्यू आर, ठीक है एन एल ओ क्यू आर और एस टी पी यू एम, ये पूरी पजल सेट होगी। एन टी एल फ्रेंकी, ओ पॉपकॉर्न, क्यू कॉफी, आर पिज्जा, और ये एस ब्राउनी या पास्ता, टी केक, पी आइस क्रीम, यू मैगी और एम ब्राउनी या पास्ता, ठीक है। ऐसे ऐसे कंडीशन को फिट करना होता है कि और कई बच्चे होते हैं उसी में मतलब कि खराब सी कंडीशंस लिख लेते हैं, उसके बाद उन्हें खुद ही नहीं समझ आता कि लिखा क्या है कंडीशंस में, तो साफ से लिखो पहले तो, क्योंकि और मेंस में ये होता है कि जितनी पॉसिबिलिटी बने बना दो, ऐसा नहीं होता कि प्री की तरह की, हाँ प्री में भी पॉसिबिलिटी बनाओ, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि प्री में भी पॉसिबिलिटीज बनाओ, इट सेव्स योर टाइम, या आपका टाइम ही सेव करते हैं पॉसिबिलिटी जो बनाते हैं। चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं, ठीक है नेक्स्ट वाली पजल देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा ये सर्कुलर अरेंजमेंट है विद ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, ठीक है देखते हैं। Eight persons from three generation P Q R S T U V and W are sitting around a circular table facing the center. ठीक है ऐसे कर देते हैं एक और एक जगह ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हमने इसलिए बना लिया क्योंकि इसमें directions जो थी हमें पता लग गया, उन्होंने बोल दिया ना फेसिंग द सेंटर,
चलो ठीक है, यहाँ पे हम सारी कंडीशंस लिखेंगे अपनी। टू मैरिड कपल्स आर इन द फैमिली, ठीक है। मैरिड कपल्स कितने हैं? सिर्फ दो ही मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, दो ही मैरिड कपल्स हैं, उससे ज्यादा हम मैरिड कपल्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, ठीक है, या तो फिर दोनों हैं या तो फिर कोई भी नहीं है पेरेंट्स में से, ठीक है। एस इज द ओनली सन ऑफ टीज ब्रदर, ठीक है। एस जो है ओनली सन है टी के भाई का, टी के भाई का इकलौता बेटा है कौन? एस। तो टी के भाई का, देखो मेल को जो डिनोट कर रही हूँ ना मैं बॉक्स से कर रही हूँ, और फीमेल को सर्कल से, ठीक है। तो एस किसका सन है? टी के भाई का, ठीक है। टी सिट्स अपोजिट टू एस फादर, टी जो है अपोजिट टू एस फादर है, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी आप अपोजिट ले सकते हो, ठीक है। टी जो है अपोजिट है किसके? एस के फादर से, एस फादर यहाँ पे लिख देते हैं। टी जो है अपोजिट है किसके? एस के फादर से, ठीक है। एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ, लॉ। टी सिट्स अपोजिट टू एस फादर एंड, और क्या कर रहे हैं? एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ। टी जो है अपोजिट है एस के फादर से, एस का फादर जो भी है, ठीक है। और किसके लेफ्ट में है? डब्ल्यू के डॉटर इन लॉ के, तो डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आएगा डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ, DIL कर दिया। और यहाँ पे भी डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या है? द वन हु सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू, जो भी इसके अपोजिट में बैठा है डब्ल्यू के डॉटर इन लॉ के, जो भी अपोजिट में बैठा है वो किसके एडजेसेंट में है? कौन उसके साथ बैठा है? डब्ल्यू के। तो एक जगह डब्ल्यू या तो फिर यहां आ सकता है या तो फिर यहां आ सकता है, एक जगह यहां पे रख दिया और एक जगह यहां पे रख दिया, ठीक है डब्ल्यू को, ठीक है। जो जो मैं इसको तो मैंने इसलिए सर्कल में कर दिया कि आपको पता लगे जिन जिन के नाम आ रहे हैं ना यहाँ पे, उन उनको सर्कल कर दिया मैंने कि आपको पता लग जाए, ऐसा मत समझना कि ये फीमेल है, ठीक है। ये इसलिए मैंने सर्कल किया है कि हमें डेफिनेट में पता है यहाँ टी बैठा है यहाँ डब्ल्यू बैठा है, ये हमें पता नहीं है कि यहाँ कौन बैठा है, इसलिए इसे सर्कल में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या है? द वन हु सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू डॉटर इन लॉ सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू हु इज मदर ऑफ आर, डब्ल्यू कौन है? मदर है किसकी? आर की, ठीक है, डब्ल्यू मदर है आर की। टी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी हु सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, ओके। टी जो है ओनली डॉटर है, और ये है मतलब टी जो है ओनली डॉटर है किसकी? पी की, पी की, ऐसे हो गया पी जो कि टू प्लेसेस अवे है आर के, पी जो कि टू प्लेसेस अवे है आर के, ठीक है। टू प्लेसेस अवे है मतलब एक बंदा आएगा कोई इनके बीच में, और यहाँ पे ये पी लिखा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये पी लिखा है। ठीक है, ये पी है तो हमने ये ऐसे बना दिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था? टी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, ओनली डॉटर है मतलब ये सन है, हाँ ये तो ठीक था। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, आर जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? वी का, मतलब कि आर जो है ब्रदर इन लॉ है वी का, ठीक है। तो वेट, और आगे पढ़ते हैं। एंड इज एन अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, आर जो है ब्रदर इन लॉ है वी का, और अनमैरिड फैमिली मेंबर है, अनमैरिड फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो मतलब ये इसके कोई सिस्टर या ब्रदर होगा तो उसका ब्रदर इन लॉ है वो, ठीक है। तो देखते हैं इसकी यहाँ से, और ये जो है ये मैरिज का डिनोट कर रहा है सिंबल, ठीक है। देखो वेट वेट,
मेल वाले के लिए बॉक्स, फीमेल वाले के लिए सर्कल, और मैरिड जिस जो भी मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए कौन सा साइन है, ऐसा इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। और कजन्स के लिए कैसा साइन है, एक, और मैरिड के लिए दो, ठीक है। ठीक है तो फिर वी को यहाँ पे रख देते हैं, आर ब्रदर इन लॉ है वी का। अब यहाँ पे जो है मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। यू इज द फादर ऑफ क्यू, यू क्या है, यू जो है फादर है क्यू का, ठीक है। ये अलग अलग बन रहे हैं सारी। क्यू हु सिट्स थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम वी, क्यू जो कि थ्री प्लेसेस अवे है किससे, वी से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यूज ब्रदर एंड आर, अच्छा क्यू के ब्रदर और आर के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यूज हस्बैंड। ओके, देखो सपोज क्यू और क्या बोले, नंबर ऑफ क्यूज ब्रदर, क्यू के ब्रदर और आर के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सपोज अगर दो बैठे हैं तो आर, हाँ आर के बीच में, हाँ नंबर पर्सन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू के हस्बैंड के बीच में कितने लोग बैठेंगे, एक, क्योंकि ये एक ज़्यादा है। अगर क्यूज ब्रदर और आर के बीच में तीन लोग हैं तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितने बैठेंगे, दो बैठेंगे, ठीक है, डब्ल्यू और डब्ल्यू के हस्बैंड के बीच में, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि When counted from the left of both R and W, अच्छा R और W दोनों के लेफ्ट से ही देखना है हमें, R और W दोनों के लेफ्ट से ही चेक करना है हमें। जैसे कि अगर R के लेफ्ट से चेक करना है कि R और Q's ब्रदर के बीच में हमारे एक ज्यादा है, प्लस वन है, जितने भी W और W के हस्बैंड के बीच में है, दोनों के लेफ्ट से चेक करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। W और W के हस्बैंड के बीच में, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आएगा W का, W और W के हस्बैंड के बीच में, ठीक है। और क्या, क्यूज ब्रदर एंड आर इज आर, क्यूज ब्रदर एंड आर, ठीक है, क्यू के ब्रदर, तो देखते हैं क्यू ब्रदर एंड आर इज वन मोर देन W एंड W does not opposite to P. W जो है opposite किसके नहीं है, P के, ठीक है, W does not opposite to P. और दो married member भी हैं इसमें, तो जो married couples हैं वो तो हमें पता ही लग गया कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये दोनों है और एक ये दोनों है, चलो ठीक है। और इसमें ये भी बता रखा था कितनी जनरेशन से, ये बता रखा था क्या, हाँ थ्री जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन भी कितनी है, थ्री है। ओके, सॉल्व करने की से कोशिश करते हैं हम लोग। डब्ल्यू का हस्बैंड, डब्ल्यू का जो हस्बैंड है, देखो अगर डब्ल्यू का हस्बैंड, देखो ये यू, यू इज द फादर ऑफ क्यू है ना, ये भी एक चीज हमारे पास। ओके, अगर यू को यहाँ रखते हैं, यू इज द फादर ऑफ क्यू, तो क्यू तो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अगर यू को यहाँ रखते हैं तो क्यू को यहाँ, क्यू यहाँ आ जाएगा हमारा। पर एक कंडीशन हमारे पास ये भी है जो ये हमें सॉल्व करनी है। ओके, देखो क्या कर सकते हैं कि ये देखो एक कंडीशन, आप यू इज द फादर ऑफ क्यू, देखो सपोज अगर यू मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यू यहाँ पे रख दिया अगर मैंने, तो ये जो ये वाली कंडीशन है हमारी, इसके ऊपर भी एक जाएगा कोई, ठीक है। देखो यहाँ पे बताती हूँ आपको, और क्या बोल रहे थे, दो मिनट, टू मैरिड कपल हैज ओनली टी सीट्स अपोजिट टू हिज फादर, ठीक है। देखो ये हो सकता है कि यू अगर यहाँ पे रख दिया, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का हस्बैंड क्यू है, सॉरी डब्ल्यू है, और यहाँ अगर मैंने यू रख दिया, यू इज द फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ आर आ जाएगा ऐसे, ठीक है,
और यहाँ वी आ जाएगा। और जो ये वाली कंडीशन है हमारी पी टी एस, ये जो है हमारी ये कैसे हो जाएगी, ये देखो ये भी किसी के मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला है, जो पेरेंट्स हैं वो या तो फिर दोनों हैं या तो फिर कोई भी नहीं है, तो ये भी इसकी भी तो शादी किसी से हुई होगी ना, तो इसके साथ तो बन ही नहीं पाएगा फिर ऐसे। देखो अगर ऐसे करा कि वेट इसमें समझ नहीं आएगा, ये देखो इसमें ये यही बोल रहा है ना, देखो W क्या लिखा इसमें, ये R W ये ऐसे R और यहाँ पे देखो U इज द फादर ऑफ Q वाली कंडीशन अगर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, U यहाँ बिठा दिया तो ये फादर जो है Q का यही मतलब ये यहाँ ही आएगा Q, ठीक है आएगा ना, पर ये जो है ये भी एक जनरेशन हमारी बन रही है तो इसको हम नीचे तो ले नहीं सकते, ठीक है। अगर हम इसमें ऐसे बिठाने की कोशिश भी करें कि टी, ठीक है, और टी और ये दोनों कजन, ये जो हैं ये ब्रदर और सिस्टर ही हैं, ठीक है। टी का जो भी भाई और बहन हैं वो क्या है, उनके एक का बता दिया था कि पी जो है उनके, इसका तो डेफिनेट में नहीं पता था शायद ना, पी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी ऐसे ही लिखा था शायद, टी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, तो ये पी यहाँ आ जाएगा, तो ये तो सारे ही भाई बहन हो जाएंगे, तो क्या इनके अलग अलग पेरेंट्स होंगे क्या, नहीं ना, और फिर इसका तो कोई वही नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एस कहाँ पे आएगा हमारा, ऐसा आ ही नहीं पाएगा। अगर टी का एक और बना दिया ऐसे तो ऐसा आ ही नहीं पाएगा, और टी का नहीं भी बनाया अगर ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, तो भी पी तो अकेला रह जाएगा ना, पर इन्होंने बोला या तो फिर पेरेंट्स जो हैं या तो फिर वो दोनों हैं और या तो फिर एक भी नहीं है, तो ये तो एक अकेला थोड़ी हम छोड़ सकते हैं, इसका मतलब जो ये वाली कंडीशन है यहाँ पे हम यू नहीं बिठा सकते, यहाँ पे यू हम नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो अब कंडीशन एक ये होती है कि हम जो यू है यहाँ नहीं बिठा सकते, तो एक बार पी को डब्ल्यू के साथ बिठा के देखते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, ये मेंस लेवल पजल है, ठीक है। तो W को अगर एक बार हम P के साथ बिठा के देखते हैं, ठीक है, और क्या हुआ था ये T ऐसे ये, ठीक है, और ये जो है S, S इसका चाइल्ड था, मतलब S सन था, तो इसका मतलब इसकी शादी हुई होगी ना, तभी तो है तो ये तो मैरिड कपल्स भी हैं, इसका मतलब ये जो है ये हमें पता लग गया कि ये मेल मेंबर है, और ये फीमेल होगा फिर भी, ठीक है। और क्या बोल रहा था, यू इज द फादर ऑफ क्यू, यू जो है किसका फादर है, क्यू का, ठीक है, यू इज द फादर ऑफ क्यू, तो ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या आ सकता है अब हमारे पास, ये दो मैरिड कपल्स तो आ गए हमारे पास, ठीक है, तो अब एक ही जगह दिख रही है यू इज द फादर ऑफ क्यू के लिए कि ये यू है, यू हो सकता है फादर हो सकता है, और इसका एक कोई और चाइल्ड होगा जिसका नाम क्यू होगा, ठीक है। अब आर, आर जो था कजन था, ठीक है, तो आर भी हमारा यहाँ ही बैठेगा। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं, ये बना है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, देखते हैं अभी ये सही है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। चलो एक बार देखते हैं, एस इज द ओनली सन ऑफ टीज ब्रदर, एस इज द ओनली सन ऑफ टीज ब्रदर, ठीक है, टी सिट सपोजिट टू एस फादर एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, इसे बाद में देखते, डब्ल्यू इज डॉटर इन लॉ, द वन हु सिट सपोजिट टू डब्ल्यू इज डॉटर इन लॉ, सिट सजेशन टू डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज मदर ऑफ आर, डब्ल्यू जो कि मदर है आर की, ठीक है, आर की मदर है, ओके। अब टी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, टी ओनली डॉटर है पी की, ठीक है, सही बन रहा है, इसका मतलब हमारा टी ओनली डॉटर है पी की, तो टी ओनली डॉटर है पी की, ठीक है, आर और यू यहाँ पे आ गए, तो ठीक है। अब आर और यू जो है क्योंकि वो मेल मेंबर है, मेल को मैंने इससे डिनोट किया है, तो वो बोल रहा है टी जो है ओनली डॉटर है पी की, तो ठीक है। आगे हु सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, इसे देखते बाद में, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, आर जो है किस ब्रदर इन लॉ है वी का, ओके ये भी सही हो गया, एंड इज एन अनमैरिड फैमिली मेंबर, अनमैरिड ही है वो, ओके।
यू इज द फादर ऑफ क्यू, यू जो है फादर ऑफ क्यू है उसी थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम वी. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यूज ब्रदर एंड आर इज वन मोर देन डब्ल्यूज एंड डब्ल्यूज हस्बैंड व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ आर एंड डब्ल्यू. ठीक है, और क्या बोल रहे थे वो, W does not sit opposite to P. ठीक है, ये मतलब हमारा बन गया अरेंजमेंट W P ऐसे. ठीक है, अब ये था हमारा U V P R, यहाँ पे S और यहाँ पे Q. देखो ये भी बोला था कि S is the only son of T's brother. इसका मतलब ये जो है ये इसकी सिस्टर होगी क्यू जो है, क्योंकि वो ओनली सन है. ठीक है, ओनली सन है ना, ओनली सन का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही लड़का है, तो फिर ये जो होगी वो लड़की होगी. ठीक है, अब हम इसे जो ये हमारा अरेंजमेंट बना है इसे हम यहाँ पे बिठाते हैं. अब क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे कौन आएगा, डब्ल्यूज डॉटर इन लॉ. अब डब्ल्यू की डॉटर इन लॉ कौन है, वी है, तो हम यहाँ पे वी को बिठा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम वी को बिठा देते हैं ऐसे, वी हो गया यहाँ पे. अब क्या बोल रहा था कि R6 कुछ ऐसा बोला था ना, R sits three places away from B, कुछ ऐसे लाइन दी है. Q sits three places away from B. हाँ, U is the father of Q, जो कि three places away है V के. तो वन टू थ्री Q यहाँ आ गया हमारा. अब यहाँ यहाँ पे भी वन टू थ्री यहाँ नहीं आ सकता, तो वन टू थ्री Q हमारे यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ S के फादर आने थे, तो S के फादर कौन है, U है, तो U हम यहाँ पर बिठा सकते हैं. ठीक है, U आ गया हमारा. अब क्या है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू W जो है अपोजिट नहीं है P के, तो P के लिए या तो फिर एक ये जगह बच रही है या तो फिर एक ये जगह बच रही है, अभी देखते हैं. पर हम और क्या बोल रहे थे, द वन हु सिट्स अपोजिट टू W, W इज द मदर ऑफ R, T इज द ओनली डॉटर ऑफ P, हु सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम R, P जो कि टू प्लेसेस अवे है किसके, R के. ठीक है, P W के एडजेसेंट में P नहीं आएगी, तो P या तो फिर यहाँ आ जाएगा या तो फिर यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ आ जाएगी या तो फिर यहाँ आ जाएगी, और इसमें भी पी यहाँ पे आ जाएगी या तो फिर यहाँ पे आ जाएगा. देखो पी जो है आर के टू प्लेसेस अवे है, मतलब आर और पी के बीच में कितने परसेंट का गैप होना चाहिए, एक परसेंट का गैप होना चाहिए. ठीक है, पी के लिए या तो फिर ये जगह है या तो फिर ये जगह है यहाँ पे. अगर मैंने पी को यहाँ पे रख दिया तो आर आर को कहाँ पे रखना पड़ेगा, आर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा या तो फिर आर यहाँ रखना पड़ेगा. पर अगर आर को इन दोनों जगह में से किसी भी जगह रखा तो दो का गैप हो रहा है. ठीक है, पर पी इस यही तो बोला है ना उसने, P who sits two places away from R, तो इसका मतलब इनके बीच में एक का गैप होना चाहिए ना. देखो P ऐसे होता है ना कि P who sits two places away from R, तो इनके बीच में कितना गैप है, एक का ही गैप है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब P ये नहीं आ सकता क्योंकि R हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे. इसका मतलब P हमारा यहीं आ जाएगा, और R के लिए अब कौन सी जगह बची, हमारे पास ये वाली जगह बची, और एक कौन बच गया उसे हम रख देते हैं, W P R T U V, W P R T U V Q S, S हम यहाँ पे रख देते हैं. और अब यहाँ पे भी ऐसे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत है. अब R के लिए ये जगह है या तो फिर ये जगह है, क्योंकि W के अपोजिट में तो सॉरी W के अपोजिट नहीं, W किसके अपोजिट नहीं है, P के अपोजिट नहीं है, तो P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ आ सकता है और या तो फिर यहाँ आ सकता है. ठीक है, तो ठीक है P को यहाँ रखा तो फिर वही बात हो जाएगी R के लिए दो छोड़ के, तो मतलब P यहाँ नहीं आ सकता, P हमारा यहाँ आएगा. और R के लिए सिर्फ एक अब यही जगह बच रही है, क्योंकि एक का गैप चाहिए हमें P और R के बीच में, और S हमारा यहाँ आ गया. अब देखते हैं, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q's ब्रदर एंड R इज वन मोर देन, Q का ब्रदर कौन है पहले तो ये देख लेते हैं, Q का ब्रदर है S, Q's ब्रदर कौन है, Q का ब्रदर है S है Q का ब्रदर, Q के ब्रदर और किसके बीच में, R के बीच में जितने भी लोग हैं वो एक ज्यादा है. R से पहले तो हम ये देखते हैं, इस वाले में देखते हैं या तो फिर इस वाले में देखो, देखो Q के ब्रदर, Q का ब्रदर कौन है, S है, और R के बीच में एक ज्यादा होना चाहिए. तो देखो, और R के लेफ्ट से ही देखना है हमें, ठीक है, R और W के लेफ्ट से देखना है. तो R के लेफ्ट से देखा तो कितने पर्सन हो रहे हैं S और R के बीच में, यहाँ पर टू हो रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब W और W का हस्बैंड, W और W का हस्बैंड कौन है, मतलब W और P के बीच में, देखो S और R के बीच में इस वाली अरेंजमेंट में S और R के बीच में दो हो रहे हैं, तो W और P के बीच में कितने होने चाहिए, और किसके लेफ्ट से देखना है, W के लेफ्ट से देखना है हमें, तो एक होना चाहिए ना. ये तो मैंने अभी पीछे आपको समझाया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ज्यादा है जितने भी लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं.
तो ठीक है, देखते हैं पी के लेफ्ट से देखते हैं कि देखो पी के लेफ्ट का होगा, देखो पी का जो लेफ्ट होगा वो यही होगा। तो पी के लेफ्ट से और पी के लेफ्ट से डब्ल्यू तक गिनते हैं, तो 1 2 3 किससे गिनना है, डब्ल्यू के लेफ्ट से गिनना है ना। अच्छा हाँ, डब्ल्यू के लेफ्ट से गिनना है, तो डब्ल्यू के लेफ्ट से गिनते हैं, देखते हैं डब्ल्यू के लेफ्ट से गिनते हैं तो कैसे। देखो डब्ल्यू का लेफ्ट क्या है, यही है डब्ल्यू का लेफ्ट और ये राइट है, समझ रहे हो ना, साउथ डायरेक्शन है तो ये लेफ्ट है। तो डब्ल्यू के लेफ्ट से गिनते हैं तो कितने पर्सन हो रहे हैं, एक ही हो रहा है और एक ही चाहिए, इसका मतलब कि ये सही है, ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी। पर एक बार हम ये भी चेक करते हैं कि एस और आर के बीच में जितने भी पर्सन होंगे वो एक ज्यादा होगा डब्ल्यू और पी के, जितने भी पर्सन है, और हमें किसके लेफ्ट से गिनना है, आर और डब्ल्यू के लेफ्ट से। ठीक है, आर के लेफ्ट से देखते हैं, 1 2 3 4, आर और एस के बीच में कितने हुए हैं, आर और एस के बीच में तो देखना है ना, हाँ आर और एस के बीच में कितने हो गए, 4 हो गए हैं। इसमें देखो लेफ्ट से गिना, 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं वो कि W और P, W और P के में देखना है और W के लेफ्ट से देखना है। चलो ठीक है, तो इसमें कितने होने चाहिए W और P के बीच में, 3 होने चाहिए, तो लेफ्ट से देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत होगी ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई, समझ रहे हो। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया है, TRV PUWSQ, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, और ये इसका फाइनल ये अरेंजमेंट बना था, ये वाला। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और बाकी आप खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है, तो ये पजल जो है बन जाएगी, एक बार आप खुद से भी बनाने की कोशिश करना, बाकी अगर जो डाउट हो तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फाइनल अरेंजमेंट बन गया हमारा, TRVPUWSQ, मेंस में जो है यही है फंडा है कि पॉसिबिलिटीज जो है ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ती है। और मेंस के पजल की अगर आपको मतलब मेंस में क्या है ना कि पॉसिबिलिटीज तो जो बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है कि कैसे क्या करना है, अगर हम इससे करेंगे, और एक आधी पजल तो मेंस की मतलब बना ही लिया करो। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स एवेन्यू करके, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, और ये दोनों पजल आप ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कहाँ पर अटक रहे हैं। बाकी समझा तो मैंने क्लियर हो ही गया होगा जैसे मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, तो ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।